आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले। तो आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन का जो वीडियो नहीं देखा, पूरा पूरी अगर नहीं भी देखा, अगर सिर्फ बेसिक्स देखा तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर एकदम से नहीं देखा तो ये वीडियो स्टार्ट नहीं करने से बेटर होगा, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट ने नहीं देखा डिफरेंशिएशन, अगर बेसिक नॉलेज भी आता है डिफरेंशिएशन का तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है डिफरेंशिएशन का तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिन्होंने मेरा डिफरेंशिएशन का वीडियो देखा है, शायद उसमें जो मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया है उससे शायद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है समझ में आ गया होगा, लेकिन ये पार्ट ऑफ द चैप्टर है तो इसको मैं सेपरेटली फिर यहाँ पे समझा दूँ। Now, what is instantaneous velocity? The velocity of an object at a particular instant of time or a particular point of its path is called instantaneous velocity. मतलब कि जैसे कि अगर कुछ टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन का एंटायर टाइम ड्यूरेशन का वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मान लो कि कोई अपने स्कूल से घर जा रहा है, घर जाने में उसको मान लो 10 सेकेंड लगा, सामने ही है मान लो घर, और अगर मैं पूछूं कि तो ऑब्वियसली पहले तो दौड़ता हुआ जाएगा, फिर टायर्ड हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो उसका वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, पहले ज्यादा रहेगा फिर कम हो जाएगा। उसका एवरेज वेलोसिटी निकालना तो बहुत ही आसान है। अगर मैं बोलूं कि उसका वेलोसिटी 7.555555 सेकंड में कितना था तो वो कैसे निकालेंगे, उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर ये पार्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फर्स्ट, what is velocity? Velocity is change of displacement by change of time. अच्छा, ये जो s लिखते हैं लोग, इसको हम लोग displacement मानते हैं। किसी किसी का तो ये भी डाउट होगा कि ये displacement है, ये distance है। तो मैं बोल देता हूँ ये displacement है। ये आप proof भी कर सकते हो। बाद में मैं किसी एक part में दिखा भी दूंगा कि ये s जो है वो distance नहीं है, ये displacement है। और distance और displacement में difference क्या है? एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें अब तक पता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज ऑफ टाइम। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए जो टाइम है, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। तो अगर एकदम स्मॉल टाइम के लिए होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो भी तो स्मॉल ही होगा। तो अगर स्मॉल टाइम के लिए हो तो उस स्मॉल टाइम को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डीएस। ये तो मैंने डिफरेंशिएशन में आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट में हमने आपको बताया था कि स्मॉल टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं बाई डीएस, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को सॉरी डीटी, स्मॉल टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं डीटी, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डीएस। तो ये जो डीएस बाई डीटी है, ये है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डीएस बाई डीटी। तो यहां पे डीएस बाई डीटी जो है ये क्या है, स्लोप ऑफ S versus T graph। चलो ग्राफ के बारे में जो भी चीजें हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होगा, इसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा और भी जो कुछ है, ग्राफ का मैं एक सेपरेट पार्ट लाने वाला हूं, उसमें जितने भी ग्राफ है वो एक साथ हम लोग सब डिस्कस करेंगे। बट अभी सिंपल सिंपल जो चीज है इसके साथ करते जाइए तो क्या होगा, आपके दिमाग में फिट बैठता जाएगा हर किसी चीज। तो ये देखिए जो वी इंस्टेंटेनियस है, वी इंस्टेंटेनियस का हमारा फॉर्मूला आ गया कि डीएस बाई डीटी। अब ये स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ क्यों बोल रहा हूं, एस टी को, क्योंकि डीवाई बाई डीएक्स क्या था, डीवाई बाई डीएक्स था शायद स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। तो डीएस बाई डीटी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ। अब इसके लिए एक ग्राफ से मैं आपको दिखा देता हूं इसको, जैसे कि
ये ग्राफ है, मान लो इस तरफ हम लोग एस ले रहे और इस तरफ हम लोग टी ले रहे। अब एक ग्राफ के, इस ग्राफ के लिए चलिए इक्वेशन लिखते हैं, एस इक्वल टू टी स्क्वायर। अब एस और टी का जो वैल्यूज है इसके हम लोग पुट करते जाते हैं, यहां पर डब डब टी से एस, तो जब जीरो होगा तो क्या आएगा, जीरो। जब मैं वन पुट करूंगा तो आएगा वन, जब मैं टू पुट करूंगा तो आएगा फोर, और जब मैं थ्री पुट करूंगा तो आएगा नाइन। तो इस ग्राफ को हम लोग जब यहां पे प्लॉट करेंगे, मान लो यहां पे ले लिया मैंने वन टू थ्री, और यहां पे ले लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब देखो जीरो जीरो है, वन वन है, टू के साथ हो गया फोर, वन टू थ्री फोर, थ्री के साथ हो गया नाइन, तो मेरा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आएगा। एग्जैक्टली नहीं बना फिर भी चलो समझ में तो आ गया होगा, कुछ इस टाइप से आएगा। और ये करेक्ट भी आ रहा है, क्यों करेक्ट आ रहा है, क्योंकि s इक्वल टू टी स्क्वायर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्म में है, जिसको हम लोग अगर ग्राफ बनाए तो ये पैराबोला आता है। ये मैथ्स में बाद में आपको पता चलेगा कि अगर लिनियर क्वाड्रेटिक है तो उससे पैराबोला आता है, वो बात की बात है। तो हमारा कर्व कुछ ऐसा है। अब हमसे पूछा गया कि ये वन सेकंड है, ये टू सेकंड है, ये थ्री सेकंड है, किसी भी मान लो 2.5 सेकंड में पूछा गया कि इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, निकल गया ये थीटा। मान लो पूछ लिया यहां पे, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे थीटा, और अगर टेन थीटा निकाल लिया, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। ये मैंने डिफरेंशिएशन पार्ट में अच्छे से समझाया है कि क्यों टेन थीटा स्लोप है। अब देखो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे स्लोप इक्वल टू कोई सा भी डिस्टेंस लो, वो डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब यहां पे एक बात इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें एस टी ग्राफ क्या दे रहा है, हमें वेलोसिटी दे रहा है, और हर जगह का वेलोसिटी देखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ रहा है, टेंजेंट बना के स्लोप बनाना पड़ रहा है। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ ये जो मैं ये चीज लिखा था, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ वेलोसिटी, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। अब एक चीज देखो, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का ऐसा जो हुआ, ये बहुत स्टीप क्लाइम किया। देखो यहां पे क्या है, जीरो जीरो, वन पे वन था, फिर टू पे फोर हुआ, यानी यहां से एक सेकेंड में जंप मारा कितना, तीन, और यहां से कितना जंप मारा, फाइव। और ये शायद हमें दिखाई भी दे रहा है इस ग्राफ में कि ये ग्राफ सडनली बहुत स्टीप हो गया। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ, शायद मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है कि चलो ये वाला पार्ट भी जो था, जो ये स्टीप क्राइम हो रहा है, इसमें जो चीज है, इसमें जो ये वेलोसिटी या स्पीड है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड। तो स्पीड वेलोसिटी है तो अलग, एक स्केलर एक वेक्टर, अगर कांस्टेंट होता तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता, और ग्राफ अगर ऐसा आता तो वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का उतना पंगा ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि हर पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो सेम होता, और हम वो देख भी सकते हैं, हर जगह पे देखो जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा अगर कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वहां पे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कोई झोलझाल ही नहीं है, क्योंकि एवरी इंस्टेंट वेलोसिटी सेम रहेगा। प्रॉब्लम आता है तब ऐसा वेरिएबल वेलोसिटी आता है। तो यहां पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डीएस बाय डीटी। तो यहां से ये पार्ट आप समझो कि दो चीज अब ध्यान रखो, एक है वी इंस्टेंटेनियस है डीएस बाय डीटी, और एक है वी एवरेज। वी एवरेज तो पहला वाला हमारा फॉर्मूला है कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी।
अभी कुछ इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकली मैं आप लोगों को समझाता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी इंस्टेंटेनियस एंड वी एवरेज। एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। ओके, मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड वी इंस्टेंटेनियस, मान लो वी इंस्टेंटेनियस टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो और एक क्वेश्चन मान लो कि फाइंड वी एवरेज बिटवीन 1 एंड 3 सेकेंड। चलो 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, मान लो दो क्वेश्चन दिया आपने, एक पूछा गया है कि वो इक्वेशन यही है एस इक्वल टू टी स्क्वायर, ये मैंने इस टेबल को रब नहीं किया है, कि मान लो दो क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट वन इज फाइंड वी इंस्टेंट या वी इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 3 सेकेंड। इक्वेशन है हमारा एस इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है डीएस बाई डीटी। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन होगा तो आंसर कितना आएगा? 2t। तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आ गया? 2t। नाउ जब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड होगा तो v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 2 × 1, 2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड जब होगा तो v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 2 × 2, 4 मीटर पर सेकेंड। और जब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड हो जाएगा तो हमारा v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 2 × 3, 6 मीटर पर सेकेंड। तो अभी समझ क्या हो गया आपको कि v इंस्टेंटेनियस हम लोग कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला तो मैंने पिछली बार बोल दिया था कि ds by dt है, तो s का डिफरेंशिएशन क्या होगा रिस्पेक्ट टू t, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t। तो यहां वहां पे हमने टाइम बुक किया। अब देखो ये प्रोसेस है v इंस्टेंटेनियस निकालने की। v इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट इंस्टेंट, कि 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना था इतना, 2 सेकेंड में कितना था इतना, एग्जैक्टली 3 सेकेंड में कितना था इतना। अब ढूंढना है हमें एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 3 सेकेंड। चलो 0 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है 1 से 3 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड इज इक्वल्स टू, ये कुछ आएगा ऐसा शायद, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी पहले लिख देता हूं। डेल्टा एस 3rd सेकेंड का आएगा शायद S3 माइनस 1 सेकेंड बोला S1, S3 माइनस S1 बाई चेंज इन टाइम। 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक कितना टाइम होता है? मेरे ख्याल से 2 सेकेंड, 3 माइनस 1 इज 2। अब S3 का वैल्यू क्या है? S3 जब 3 सेकेंड था तो उसका वैल्यू था 9। माइनस S1 का वैल्यू कितना था? जब 1 था तो उसका वैल्यू था 1 बाई 2। इसका आंसर आएगा 8 बाई 2, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे देखो हमारा एवरेज वेलोसिटी जो आया है वो आया है 4 मीटर पर सेकेंड, और हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आया है, डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट आया है। तो दोनों का निकालने का प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका तो इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन से निकाला और एवरेज वाला कैसे निकाला? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो 3 सेकंड से 1 सेकंड बोला तो 3 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 9, माइनस 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 1, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो 1 से लेकर 3 सेकंड का टाइम टेबल कितना है? 2 सेकंड, तो 2 लिख दिया। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है स्पेशली एंट्रेंस लेवल पे कि कौन सा सेकंड पे उसका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है, कौन सा टाइम में। तो ये देख के तो समझ में आ रहा है कि 2 सेकंड में उसके एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम था, तो आंसर होगा 2 सेकंड। तो आई थिंक अभी ये पार्ट में आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी निकालने का और ग्राफ के लिए उसका मतलब ये सब समझ में आ गया होगा। अभी आगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सम लोग करते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है कि s इक्वल्स टू t³ - 6t² फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 सेकंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो हर सेकंड में वेलोसिटी दिया हुआ है, पूछा गया हमसे, दैट मींस ये कौन सा वेलोसिटी
पूछ रहा है हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले एस को लिख लेते हैं, एस इक्वल टू टी क्यू माइनस सिक्स टी स्क्वायर। चलो अब वी इंस्टेंटेनियस ढूंढना है, वी इंस्टेंटेनियस क्या है, डीएस बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, टी क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी स्क्वायर का हो जाएगा ट्वेल्व टी। अब क्वेश्चन पूरा हलवा हो गया, टी इक्वल टू वन सेकेंड डालो, टी इक्वल टू वन सेकेंड, वी इक्वल टू टी की जगह पर वन पुट कर दो, थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू वन, यह आ जाएगा थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन। टी इक्वल टू टू सेकेंड पे देख लो, वी इक्वल टू थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू टू, यह आ जाएगा फोर थ्री से ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर, यह आ जाएगा माइनस ट्वेल्व। और टी इक्वल टू थ्री सेकेंड पे देख लो, टी इक्वल टू थ्री सेकेंड पे आ जाएगा वी इक्वल टू थ्री इंटू थ्री स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू थ्री, तो यह आ जाएगा नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टी सिक्स, तो ये भी आ जाएगा माइनस नाइन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये तो इजी वाला चीज था कि एक इक्वेशन दिया गया हमें डिस्प्लेसमेंट का, हमें बोला गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट जो भी टाइम दिया होगा, तो 1.5 भी दिया होगा, 1.7 कुछ भी दिया होगा, वो तो हम लोग ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द टाइम, इसको ध्यान से समझना, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। एक इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या होता है, मान लो कोई बर्ड हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई व्हीकल हो गया, वो मूव कर रहा है, मूव करने के साथ ये इक्वेशन जुड़ा हुआ है। अब ऐसा भी तो होगा कि अगर कोई बर्ड उड़ रहा है तो बीच में वो रेस्ट भी लेगा फिर उड़ेगा, कोई गाड़ी है कहीं पर रुका फिर मूव किया, तो ये सब चीजें जो है कि कब वो रुका वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन। अब देखो फाइंड करने का, निकालने का रास्ता क्या है या फिर प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन हमसे से पूछा जाएगा कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो बॉडी इज एट रेस्ट, जब ये लाइन जब आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाएगा। आई थिंक जब बॉडी एक रेस्ट पे होगा तो उसका वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी का ये इक्वेशन है, इसको यहां पे पुट कर देते हैं। अब यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, थ्री टी टी माइनस थ्री फोर ट्वेल्व जीरो। तो आइदर थ्री टी इक्वल टू जीरो, यानी टी इक्वल टू जीरो बाई थ्री हो जाएगा जीरो, और टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू फोर। दैट मीन्स जब टाइम जीरो सेकेंड था तब इनिशियली द बॉडी वॉज एट रेस्ट, और जब टाइम चार सेकेंड होगा तब बॉडी जाके रेस्ट पे होगा। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि टाइम निकालो जब ये बॉडी रेस्ट पे था, तो यहां से निकल के आया कि टी जब जीरो सेकेंड था, जब मीन्स इनिशियली द बॉडी वॉज एट रेस्ट, और चार सेकेंड बाद भी बॉडी क्या था, रेस्ट पे था। तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब चार सेकंड बाद हो सकता है रुक गया, या फिर हो सकता है पहले रेस्ट पे था चार सेकंड गया फिर उसने मूव करना स्टार्ट किया। लेकिन ये इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन कि वो बॉडी किस किस सेकंड पे या कौन सा टाइम पे वो बॉडी रेस्ट पे था। तो आई थिंक ऐसा वाला टाइप आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब चलो देखते हैं और एक टाइप। ओके क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि s इक्वल्स टू थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस नाइन, और हमसे बोला गया कि फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू सेकंड, यानी पहले v इंस्टेंटेनियस के लिए क्या निकालना है, ds by dt। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ये आ जाएगा 6t और ये आ जाएगा 4, डिफरेंशिएशन करने के बाद आ जाएगा 6t + 4। अब पूछा गया t इक्वल्स टू 2 सेकंड में कितना होगा, तो ये होगा v इंस्टेंट इक्वल्स टू 6 * 2 + 4, तो ये आ जाएगा 12 + 4, ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। ओके चलो पहला वाला पार्ट तो खत्म। अब ढूंढना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां तक, बिटवीन 1 सेकंड टू 4 सेकंड। तो ये होगा s4 माइनस
एस वन बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा? चलो पहले इधर लिख देते हैं, यहां पे पहले चलो इस एस इक्वल्स इस से एस फोर पहले निकाल लेते हैं। अब देखो एक गलती स्टूडेंट्स करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का जो ये एस फोर और एस वन है इसमें पुट करके निकाल देते हैं, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये बी इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन है, हमें एस का वैल्यू निकालना है यहां से क्योंकि ये एस इक्वल्स टू ये है। तो एस फोर कितना होगा? 3 × 16 + 4 × 4 + 9, तो ये आ जाएगा 16 × 3 = 48 + 16 + 9, ये कितना है 48 = 54 + 9 = 73, तो ये आ गया 73 एस फोर माइनस। अभी हमें निकालना है एस वन, तो देखते हैं एस वन कितना निकलता है। एस वन होगा 3 × 1² मतलब 1 प्लस 4 × 1 + 9, चलो बस कर दीजिए, तो 3 × 3 + 4 + 9, तो ये आएगा 4 + 3 = 7 + 9 = 16 माइनस 16 बाय, अब 4 सेकंड से 1 सेकंड का डिफरेंस कितना है? मेरे ख्याल से 3 सेकंड है, तो ये आएगा 57 बाय 3 मीटर पर सेकंड, 3 × 1 = 3 × 3 = 9, तो आंसर कितना आया हमारा 19 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मैंने कुछ कुछ करा दिया है, इससे रिलेटेड मैं कुछ डीपीवी में क्वेश्चन दे दूंगा जो ग्रुप में दूंगा, तो उससे तुम्हारा इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आता है इससे बाहर कुछ ऐसा नहीं था। हाँ हो सकता है 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के दे दें, तो वो सब भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये पार्ट जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैं यहीं खत्म करता हूँ, अगला जो पार्ट आएगा उस पार्ट में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन, फिर मोशन जो होता है उसका डायरेक्शन क्या है, कि मान लो एस निगेटिव दिया हुआ है एस -3 तो इसका मतलब क्या वो ऑब्जेक्ट एक्स निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सप्लोरेशन करेंगे और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तब तक के लिए फर्क करते रहिए, बाय बाय।